हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। आज हम लोग 16 पो डिवीजन के गुड्स गार्ड लेवल 5 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 7/1/2023 को क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका आंसर की भी आ गया था, उसी के अनुसार मैं सॉल्व कराता हूँ। इसमें देखिएगा कौन सा क्वेश्चन गलत आंसर सही दिया गया है और कौन सा सही है। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसमें से। पहले नंबर का क्वेश्चन है, दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य रेलवे संपत्ति का थ्रेड होल्ड वैल्यू कितने रुपए है। तो यहाँ ऑप्शन में है कि इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लगभग 1 लाख से 1 लाख के करीब या 1 लाख के बराबर शायद होता है, कंफर्म नहीं है, यदि किसी को इसके क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ट्रेन को पीछे धकेलने के लिए किसके द्वारा लिखित प्राधिकरण जारी किया जाता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, ये जारी करता है आपका स्टेशन मास्टर को जारी करता है, क्या है ये स्टेशन मास्टर करता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन, ट्रेन को विभाजित करने से पहले गार्ड को शेष भार के कम से कम कितने प्रतिशत वैगनों या वैगनों में से जो भी अधिक हो के हैंडब्रेक लगाने के लिए कदम उठाएगा। तो 50% और 10 वाहन, 10 वैगन, 50% या 10 वैगन, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थित ब्लॉक नियम का उल्लंघन नहीं है। तो ट्रेन उचित प्राधिकरण के बिना खतरे में सिग्नल पार करना, ये उचित प्राधिकरण नहीं है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित स्थित ब्लॉक नियम का उल्लंघन नहीं है, तो अनुचित अधिकार के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश की गई ट्रेन, कैश साइडिंग में गाड़ी का प्रवेश करना, गलत लाइन पर गाड़ी का आगमन और ट्रेन उचित प्राधिकार के बिना खतरे में सिग्नल पार करती है। तो कह रहा है निम्नलिखित स्थिति में ब्लॉक नियम का उल्लंघन नहीं है, तो इसमें जो आंसर दिया गया है, ट्रेन उचित प्राधिकरण के बिना खतरे में सिग्नल पार करती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और हमको ऐसे समझ में आता है कि हो सकता है सी सही हो, क्योंकि गलत लाइन पर गाड़ी का आगमन, कि ब्लॉक नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता है, तो शायद हो सकता है इसमें से कोई दोनों सही, लेकिन ऑप्शन जो आंसर की दिया गया है उसमें ऑप्शन नंबर डी सही है किया गया है। तो आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा कौन सा सही है 4 नंबर के क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ओडीसी संचालन में BWL वैगन और इंजन के बीच कम से कम माल वैगन होना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का, उचित प्राधिकार पत्र सिग्नल पास करने के लिए सीटी कोड निम्नलिखित है। तो छोटी लंबी छोटी सीटी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने ज्यादा से ज्यादा विस्फोटक से भरे माल डिब्बे को यात्री गाड़ी में लगाया जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन, 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कितने ज्यादा से ज्यादा विस्फोटक से भरे माल डिब्बे को यात्री गाड़ियों में लगाए जा सकते हैं। एक ही लगा सकते, 4 ही लगा सकते हैं, कंफर्म भी नहीं हो पा रहे हैं, ऑप्शन में तो ए पहला ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा जिसको पता होगा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, निम्न सूचना देने के लिए 4 हूटर बजाए जाते हैं। तो कब वो 4 हूटर कब बजाए जाएंगे, होम स्टेशन पर, ARTO और या MRV आवश्यक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित TA-602 में शामिल नहीं है।
TA602 में शामिल नहीं है, तो बिना लाइन क्लियर के आगे बढ़ने की अथॉरिटी, आन में सिग्नल पार करने की अथॉरिटी, लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, सतर्कता आदेश। तो लाइन क्लियर पूछताछ संदेश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है। स्टेशन स्टाफ की ओर से गार्ड के साथ हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करने में विफलता में टिप्पणी की जाएगी, तो किसके द्वारा की जाएगी? गार्ड के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, यदि एसीपी के कारण ट्रेन को कितने मिनट से अधिक रुकने की संभावना है, तो गार्ड को गाड़ी का बचाव करना चाहिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 मिनट है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। यदि एसीपी के कारण ट्रेन को 10 मिनट से अधिक रुकने की संभावना है, तो गार्ड को गाड़ी का बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीकृत विशेष निर्देश किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो सीआरएस के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार पत्र आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, तो T3693 भी है, लास्ट स्टॉप सिग्नल है, टोकन है, और T3691 ये नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, क्योंकि पहले से सूचना लिखित में इसको दिया जाता है, एक स्टेशन पहले सूचना दिया जाता है आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अनुज्ञात्मक सिग्नल नहीं है, तो वार्नर, डिस्टेंस, इनर डिस्टेंस और स्टार्टर। तो स्टार्टर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। डिविजनल वर्किंग टाइम टेबल और द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, तो CPTM। क्या है? PCOM, PCOM और आब्लिक CPTM के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हेडलाइट खराब होने पर ब्रॉड गेज में लोकोमोटिव की अधिकतम गति निम्न में से कौन सी कितनी है? हेडलाइट खराब होने पर ब्रॉड गेज में लोकोमोटिव की अधिकतम गति निम्न में से कौन सी है? तो हेडलाइट यदि खराब होता है तो 16 का 40 KMPH होगा। सत्रह नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डाउन ट्रेनों के लिए पेपर लाइन टिकट दिया जाता है, TD1425 किधर है? पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अप लाइन के लिए है, TC1425। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 18 नंबर, यदि नॉन इंटरलॉक स्टेशन पर सबसे बाहरी सम्मुख कांटों पर रेल सेवक नहीं है, तो सम्मुख कांटों पर पार करते समय मालगाड़ी की गति कितनी होगी, तो 10 KMPH होगी, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है, 10 KMPH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ट्रेन प्रथम रोक सिग्नल पर खड़ी होती है और यदि पीछे कोई IBS है, तो कितने मिनट के गाड़ी का बचाव करना चाहिए 5 मिनट बाद, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर, निम्न में से कौन सा मालगाड़ी के लिए वाहन मार्गदर्शक का फॉर्म नंबर है, तो यह है T81F है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुड्स गार्ड के निजी स्टोर में रबर वॉशर की संख्या है, तो 3 है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड और लोको पायलट के बीच निम्नलिखित को छोड़कर हाथी के संकेतों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए, तो जब ट्रेन संपार्क फाटकों से गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जब ट्रेन शुरू होने के बाद रुकती है, जब ट्रेन स्टेशनों के बीच शुरू होने के बाद रुकती है, और जब ट्रेन एक स्टेशन थ्रू जाती है, तो
ये तीनों सही है, ये आपका गलत है। जब ट्रेन समपार फाटकों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन के डार डार से शुरू होने से पहले गार्ड द्वारा घड़ी की सेटिंग की जाएगी। टर्मिनल क्रू चेंजिंग स्टेशन ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग के अधिकृत स्थान पर की घड़ी उपयुक्त सभी। तो ये आपका सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी वर्ग ओडीसी के अंतर्गत मंडलीय संचालन में स्वीकृत के प्राधिकारी कौन होते हैं? तो डीआरएम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन, मैनुअल रूप से संचालित बहुसंकेती सिग्नल प्रणाली में सी श्रेणी स्टेशन पर प्रत्येक दिशा के लिए प्रदान किए जाने वाले निश्चित सिग्नल की न्यूनतम उपकरण होंगे? तो डिस्टेंट और होम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 नंबर का क्वेश्चन, जब ट्रेन पूरी तरह से फॉलिंग मार्ग को साफ करते हुए स्टेशन पर आ जाती है तो गार्ड रात में हाथ के सिग्नल का आदान प्रदान करेगा, सफेद करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, गार्ड को ट्रेन के अन्य कागजों के साथ अपनी यात्रा के अंत में किसको सतर्कता आदेश सौंपना चाहिए? तो स्टेशन मास्टर को सौंपना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश के मार्ग पन्ने को कितने महीने की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा? तो सतर्कता आदेश के गार्ड पन्ने को महीने की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा। तो नील है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन से ट्रेन को पीछे ढकेलते समय निम्नलिखित नंबरों को छोड़कर बाकी नंबरों को पीछे ढकेलने के मेमो में शामिल किया जाएगा। तो गेट मैन की निजी संख्या इसको छोड़कर क्या है? पिछले स्टेशन की निजी संख्या, अग्रिम स्टेशन की निजी संख्या और ट्रेन नोटिस संख्या और गेट मैन की निजी संख्या को छोड़कर। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, डबल लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग में किसी भी ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ट्रेन के बीच कितने मिनट का अस्पष्ट अंतराल ना हो? 30 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फार्म गार्ड से संबंधित नहीं है? तो 31 नंबर का क्वेश्चन था, T-84B नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है, मालगाड़ी के मार्शलिंग में इंजन से सैन्य विशेष वाहन के मोटर वाहन की स्थिति? तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन के गार्ड द्वारा स्टेशन से कोई ट्रेन शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि ट्रेन को छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या है, इस सेक्शन कंट्रोलर, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, इनमें से कोई? तो इनमें से कोई नहीं है, ये स्टेशन मास्टर द्वारा होता है। ट्रेन के गार्ड द्वारा स्टेशन से कोई ट्रेन शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन, ट्रैफिक गेट स्टेशन के सिग्नल के बीच स्थित होता है? तो सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल के बीच स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डबल डिस्टेंस सिग्नल लगे हो वहां पर डिस्टेंस सिग्नल को पहचानने के लिए सिग्नल के खंभे पर बारी बारी से चमकने वाले डिस्टेंस और डिस्टेंस बैड पेंट किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं पीला और काला। ऑप्शन नंबर ए सही है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक स्टेशन पर शंटिंग प्रतिबंध में समाहित है? तो यह है स्टेशन कार्य नियम। ऑप्शन नंबर ए सही है।
37 नंबर, गार्ड दिन के समय झंडा और रात में बत्ती ऊपर नीचे करके गाड़ी विखंडन का संकेत देगा, तो लाल, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़तीस नंबर, सूर्यास्त के बाद सामग्री ट्रेन के काम को अधिकृत करता है, तो ये करता है DRM। ऑप्शन नंबर डी सही है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, T3691 की प्राप्ति पर वर्दीधारी पॉइंट मैन द्वारा सिग्नल के नीचे सब ठीक है संकेत दिखाए जाने पर लोको पायलट सिग्नल को पास करेगा, तो 10 की MPH में बिना रुके। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग हॉल की ट्रेन में प्रारंभिक स्टेशन पर कम से कम ब्रेक प्रतिशत ब्रेक पावर और उछलने पर कितना प्रतिशत ब्रेक पावर होना चाहिए, तो 95 और 90, 95 और 90% होना चाहिए। जब लॉन्ग हॉल की ट्रेन में प्रारंभिक स्टेशन पर कम से कम 95% और ब्रेक पावर और चलने पर 90% ब्रेक पावर होनी चाहिए। 41 नंबर का क्वेश्चन है, डिवीजन के लिए बुक्ड स्पीड द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये किया जाता है CRS के द्वारा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, डिवीजन के लिए बुक्ड स्पीड द्वारा निर्धारित, PCM के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोटिव की गति जब वही ही लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन से ट्रेन के विशेष भार को ले जाने जा रहा है, तो कितने के एम्पीयर जाए, 25 के एम्पीयर से। लोकोमोटिव की गति जब वही ही लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन से ट्रेन के शेष भार को ले जाने जा रहा है, तो 25 के एम्पीयर जो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर का क्वेश्चन, सतर्कता आदेश पन्ने में होते हैं, तो चार पन्ने में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, फॉक्स सिग्नल पोस्ट सिग्नल से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, तो प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, यदि विभाजित गाड़ी के दो भागों के बीच पर्याप्त समय है, तो गेटमैन डेटोनेटर को मीटर की दूरी पर रखेगा, तो तीन डेटोनेटर 10-10 मीटर पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 46 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक मालगाड़ी को 15 मिनट से अधिक ढलान पर खड़ा किया जाता है, तो ट्रेन के गार्ड ब्रेक, वैन के हैंड ब्रेक और चार व्हील लोड के मामले में, दस वैगनों के हैंड ब्रेक और आठ व्हील लोड के मामले में पांच वैगनों के हैंड ब्रेक लगाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड द्वारा ब्रेक रिलीज करने के लिए निम्न में से कौन सी सीटी कोड है रिलीज करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लंबी छोटी सीटी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक सामग्री से लदे वैगनों की शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है, तो 10 के एमपीएच होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 56 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर का क्वेश्चन है, वो 56 से अधिक वैगन वाली मालगाड़ी के पिछले ब्रेक वैन में न्यूनतम वायुदाब ब्रेक पाइप में कितने केजी होनी चाहिए, तो 4.7 केजी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। गार्ड मेमो बुक का नंबर क्या है, तो ये है T13B है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको पायलट को शंटिंग उद्देश्य के लिए ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए निम्न प्राधिकार पत्र अधिकृत करता है, 51 नंबर का क्वेश्चन, T806। ऑप्शन नंबर बी सही है। 53 नंबर, ट्रेन नियंत्रण से बाहर होने पर निम्नलिखित में से कौन सा सीटी कोड बजाएगा, तो तीन छोटी सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री गाड़ी चलने का सिग्नल देने से पहले देखेगा कि वो सही कामगार रेलगाड़ी में है और उन्हें बैठने के लिए चेतावनी दे दी है, तो कौन गार्ड। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सिग्नल वाली लाइन पर ट्रेन को लेने के लिए लोको पायलट को आन में अप्रोच स्टॉप सिग्नल पास करने के लिए पर अधिकृत किया जाता है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, तो लिखित अधिकार पत्र पर ऑप्शन नंबर सी है, बिना सिग्नल वाली लाइन पर ट्रेन को लेने के लिए लोको पायलट को आन में अप्रोच स्टॉप सिग्नल पास करने के लिए लिखित अधिकार पत्र दिया जाता है। ये सी सेंट्रल रेलवे में ये रूल है और सभी में 510 दिए जाते हैं सभी, और कुछ ही डिवीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन पर सभी संचार व्यवस्था भंग के दौरान जब कोई ट्रेन दुर्घटना के कारण ब्लॉक सेक्शन में रुकती है तो रास्ते में ट्रेन में कितने मीटर की दूरी पर डेटोनेटर लगाकर गाड़ी का बचाव करना चाहिए। 55 नंबर का क्वेश्चन है, तो यह है 250, 250, 250 मीटर पर 3 पटाखे लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेलवे में कोई श्रेणी का स्टेशन नहीं है, तो ए श्रेणी का स्टेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंगल लाइन पर सभी संचार व्यवस्था भंग में संचार खोलने जा रहे वाहन को जारी किया जाता है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, TB6, सिंगल लाइन पर सभी संचार व्यवस्था भंग में संचार खोलने जा रहे वाहन को जारी किया जाता है, TB602 जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा रिमाइंडर सतर्कता आदेश है, तो TB409 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल लाइन में सभी संचार विफलता के दौरान एक से अधिक ट्रेन के लिए लाइन क्लियर पूछने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राधिकार पत्र का उपयोग किया जाता है, तो 61 नंबर का क्वेश्चन है, 61 का आपका सी सही है, TE602 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राधिकार पत्र खराब संड सिग्नल पास करने के लिए जारी किया जाता है, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, ये TE806 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन पर लोड को स्थिर करते समय कम से कम वैगनों के हैंडब्रेक को दोनों ओर से पूरी तरह से टाइट किया जाएगा, 61 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 6 वैगनों को, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटिंग लिमिट बोर्ड मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल से कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 180 मीटर की दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रिक लोको की आगे की कैब खराब हो जाती है तो पीछे की कैब से ड्राइव करते समय किलोमीटर गति प्रतिबंधित है, 64 नंबर का सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर स्टॉप इंडिकेटर उपलब्ध है तो प्लेन सेक्शन में कार्यस्थल से कितनी मीटर की दूरी पर सावधानी सूचक प्रदान किया जाएगा, तो ये किया जाता है 1200 मीटर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर खराब हो जाता है तो स्टेशन मास्टर को ट्रेन के गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र को प्राप्त करना चाहिए, तो ये TE1410 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 67 नंबर का क्वेश्चन, जब गेट स्टॉप सिग्नल का दूर का सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाता है तो स्टेशन मास्टर लोको पायलट को जारी करेगा, तो सतर्कता आदेश जारी करेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री ट्रेन के प्रभारी इंजीनियरिंग पर्यवेक्षण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एयर ब्रेक स्टॉक के मामले में रैक की कम से कम एक बार दिनों में CNW कर्मचारियों द्वारा जांच की जाती है, तो 68 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 15 दिन में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रेलवे में निम्नलिखित में से कौन सी कार्य प्रणाली लागू नहीं है, तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम लागू है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम लागू है, पायलट गार्ड सिस्टम नहीं लागू है, और वन ट्रेन ओनली सिस्टम लागू है, ऑप्शन नंबर सी गलत है।
नहीं लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, यदि कोई पेट्रोल में निर्धारित आगमन के 15 मिनट के भीतर नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर को जारी करना चाहिए। तो अगर T409 जारी करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सिग्नल है जिसका ऑन पोजीशन स्वतंत्र संकेत देता है, तो कोई संकेत नहीं देता है, सहायक सिग्नल होता है और कुल नील सतर्क कोई स... संकेत नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन, मालगाड़ी के लिए टर्मिनेशन इंडिकेटर TG उस सेक्शन में चल रही मालगाड़ी के बराबर की दूरी पर लगाया जाता है, तो ये इनमें से कोई नहीं, पूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन, गार्ड और लोकोपाल प्रतियोगी GDR मेमो तैयार करेगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, तो तीन प्रतिमी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। NMG रैक के लिए मानक रैक आकार में से कौन सा है, तो 25 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 75 नंबर का क्वेश्चन, एयरब्रेक मॉल स्टॉक पर निरंतरता परीक्षण में गार्ड के आपातकालीन वाल्व को संचालित करके गार्ड 30 सेकेंड के लिए किलोग्राम दबाव कम करेगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं, 1 kg ड्राप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आइसोलेशन का साधन तरीका नहीं है, तो पॉइंट इंडिकेटर नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ड्रिलिंग स्विच, हैंड सैंडम और स्कॉच ब्लॉक है, पॉइंट इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोको पायलट और गार्ड के बीच संचार का साधन नहीं है, तो ब्लॉक फोन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। CT कोड है, वॉकी टाकी है, हाथ संकेत का दिखाना है, ब्लॉक फोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टर्न आउट के लिए पॉइंट सेट किया जाता है तो पॉइंट इंडिकेटर रात में लाइट दिखाता है, तो हरा दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन है, सिग्नल आगे ब्लॉक सेक्शन की स्थिति को दर्शाता है, तो वार्नर, ऑप्शन नंबर डी सही है, अगर वार्नर ना होता तो दूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट का मतलब क्लास स्टेशन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो सी क्लास सी स्टेशन है, इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट का मतलब क्लास सी स्टेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल के बीच के हिस्से को ब्लॉक सेक्शन पर न्यूट्रल जोन कहा जाता है, तो ए क्लास स्टेशन पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 82 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी स्टेशन से जाने वाली ट्रेन को एक से अधिक स्टार्टर सिग्नल द्वारा निर्देशित किया जाता है तो सबसे बाहरी स्टार्टर सिग्नल को स्टार्टर सिग्नल कहा जाता है, तो ये एडवांस स्टार्टर, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की सिग्नल की लंबी खराबी के दौरान स्वचालित ब्लॉक सिग्नल पर आगे बढ़ने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है, तो दिया है TD912 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इंजन में गार्ड के आने के लिए निम्न में से कौन सा CT कोड बजाया जाता है, दो लंबी दो छोटी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड साइड के स्टेशन पर राडार को अपनी ट्रेन से जुड़े सभी शंटिंग की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, गार्ड को, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, यदि लोको द्वारा डेटोनेटर का विस्फोट करता है तो लोको पायलट सावधानी गति में कितने के एमपीएस से जाएगा, तो ये जाएगा 1.5 के एमपीएस से, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन है, स्वचालित ब्लॉक सिग्नल में पर्याप्त दूरी मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तो 120 मीटर की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेल लैम्प को जलना संभव नहीं है तो ट्रेन को दिन के समय अंतिम वाहन पर बुझा हुआ टेल लैम्प की स्थिति में क्या होगा, 88 नंबर का क्वेश्चन है, अनुमति दी जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि टेल लैम्प को जलना संभव ना हो तो ट्रेन को दिन के समय अंतिम वाहन पर बुझा हुआ टेल लैम्प की स्थिति में है तो अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन है, यदि यात्रा के दौरान गार्ड प्रारंभिक चिकित्सा बॉक्स का उपयोग करता है तो उसको
एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 89 नंबर का क्वेश्चन है, डीआरएम को ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी वाहन जो पटरी से उतर गया है स्टेशन के बीच नहीं चलेगा जब तक कि इसकी जांच नहीं की जाती है, द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सीआरएस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरएस के द्वारा होता है, सीआरएस के द्वारा जांच हो जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लास्ट स्टॉप सिग्नल और टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट दोनों सिग्नल लाइन पर खराब हो तो अप डायरेक्शन के लिए दिया जाता है। अप के लिए TC 1425, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक पावर का अर्थ है लाइन के सेक्शन को ट्रैफिक को ब्लॉक करना, तो इलेक्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि OHE में लगातार कोई तनाव नहीं है तो लोको पायलट रात में तक कितने के एम्पियर तक गाड़ी को नियंत्रित करेगा? 60 के एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAWS का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रेन एक्चुएटेड वार्निंग डिवाइस यहाँ पर दिया हो सकता है, यहाँ सिस्टम हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि 95 नंबर के क्वेश्चन, यदि कोई लोको पायलट के हाथ यदि गार्ड लोको पायलट के साथ हाथ के सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करता है तो LP लोको पायलट क्या करेगा? 95 नंबर का क्वेश्चन, दो छोटी सीटी बजाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एंड टू एंड ईयर ब्रेक स्टॉक का खाली रैक सेफ टू रन एग्जामिनेशन BPC पर चल रहा है तो लोडिंग के लिए ले जाने से पहले रैक को परीक्षा के लिए नामित एग्जामिनेशन पॉइंट पर परीक्षित किया जाएगा। 96 का गहन, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन का चार्ज लेते समय गार्ड ट्रेन के रवाना होने से पहले खुद को संतुष्ट करेगा सिवाय फ्लैशर लाइट के? क्या कहें, निर्धारित ब्रेक पावर, टेल लैंप और ट्रेन ठीक से संयुक्त में है तो फ्लैशर लाइट की जरूरत नहीं है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच नहीं करेगा। 98 नंबर, जब कोई ट्रेन स्टेशनों के बीच रुकने के बाद चलती है तो हाथ के सिग्नल का आदान प्रदान की तरफ से करना चाहिए, 90 बाएं तरफ से, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99, बोर्ड सबसे बाहरी सम्मुख कांटों की स्थिति पर लगाया जाता है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि SLB है, सिंगल लाइन है या कि डबल लाइन है, तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर का, निम्न में से कौन सा अधूरा ट्रेन आगमन के लिए लोको सीटी कोड है? तो लंबी छोटी, लंबी छोटी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22। रेलवे बोर्ड द्वारा काव्य लेखन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? मैथिली शरण गुप्त। राजभाषा अधिनियम 1976 के संदर्भ में भाषित क्षेत्र के हिसाब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? का क्षेत्र की राजभाषा, प्रथम राजभाषा संविधान समिति के सभापति कौन थे? 105 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये थे श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। राजभाषा अधिनियम 1976 किस राज्य को छोड़कर लागू है? तमिलनाडु को छोड़कर, ऑप्शन नंबर सी सही है। मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष होता है? 107 नंबर का क्वेश्चन है, तो DRM होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। खा क्षेत्र में निम्न राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब है। खा क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के कार्यालय से खा क्षेत्र में के राज्य के कार्यान्वयन को हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य क्या है? 100%, ऑप्शन नंबर सी सही है। धारा 3/3 के अंतर्गत काम कागजातों में निम्न नहीं है, तो कार्यालय टिप्पणी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुआ।
अगला वीडियो लाएंगे बॉम्बे डिवीजन का, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।